वेल हेलो गाइस, लेके आ चुका हूँ आज भी के लिए एक नई और कमाल की वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसे व्हाट्सएप से जुड़े 6 कमाल की ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल आप अभी तक नहीं करते होंगे। और दोस्तों मैंने व्हाट्सएप से जुड़े पहले भी कई सारे वीडियोस बनाई हुई है जिनकी वीडियोस का प्ले लिस्ट का लिंक आपको बराई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल आपने अभी तक किया ही नहीं है और आपको किसी ने आज तक इन ट्रिक के बारे में बताया भी नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप का ट्रिक है तो व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिए ताकि जैसे मैं अगला कोई ऐसा नया वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। बात करें आप सबसे पहले ट्रिक की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपको व्हाट्सएप अपने फोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने किसी ने आपके पास मैसेज भेजा, आप अभी बिजी हैं और आपने उसका रिप्लाई नहीं कर पाए, तो इसके बाद में क्या होता है आप उसको रिप्लाई देना भूल जाते हैं, बाद में वो गुस्सा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये काफी अच्छा खासा ट्रिक है जो कि आपने कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे जिस भी आप इसको मार्क करना चाहते हैं, ये मतलब बुक मार्क की तरह सेट कर सकते हैं कि हाँ इसको मुझे रिप्लाई करना है, मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पे आप सिंपल सा किसी भी जो भी आपको कॉन्टेक्ट को करना है उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो 3 डॉट्स आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं, 3 डॉट के बाद यहाँ पे एक नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मार्क एज अनरीड, तो इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन है यहाँ पे आपको एक लिखा आ जाएगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे एक ग्रीन डॉट आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक इसको रिप्लाई नहीं किया है और जैसे ही आप इसको व्हाट्सएप को अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके ये ग्रीन डॉट देख के आपको एक हाईलाइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे नंबर की ट्रिक की जो कि काफी ज्यादा मस्त होने वाली है। और दोस्तों ये जो ट्रिक है ना व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी हम लोग स्टेटस देखते हैं तो मान लो आपके किसी फ्रेंड ने काफी अच्छा खासा स्टेटस डाला और आपको देख के उसको मन किया कि आप भी अपने स्टेटस में लगा दो, लेकिन जब आप उसको मैसेज करोगे कि वो मतलब वो जो स्टेटस डाला है वो आपके पास सेंड कर दे, तो आप उसको मैसेज मतलब उसको आप स्टेटस लगाओगे। लेकिन इस ट्रिक से आप उसको बिना कहे आप अपने उसके स्टेटस को ही अपने स्टेटस में डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल सा अपने स्टेटस में आ जाना है। स्टेटस में आने के बाद यहाँ पे जो जिस किसी ने भी कुछ भी स्टेटस डाला है उसको बस आपको एक बार प्ले करके डाउनलोड करके देख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों देख लेता हूँ। और यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे सिंपल सा आपको जो फाइल मैनेजर है आपके फोन का, तो इसके ऊपर आ जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे 3 लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो 3 लाइंस है इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे सिंपल सा चले जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है शो हिडन फाइल्स, तो इसका आप देखेंगे ये ऑफ है, इसको आपको ऑन कर देना है। अब ऑन करने के बाद आपको सिंपल सा अपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे फोल्डर्स के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो एक व्हाट्सएप का फोल्डर बना हुआ है इसके ऊपर आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे फोल्डर मिल जाते हैं, उसमें से आपको यहाँ पे जो मीडिया वाला फोल्डर है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं और सबसे पहले ही जो ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको स्टेटस का यहाँ पे दिख रहा है, तो स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि आप इसको प्ले कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी देखा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको आप फिर से पीछे जाके देख लीजिए, इस वीडियो को मैंने स्टेटस में देखा था तो ये वीडियो जो है मेरे यहाँ पे सेव हो चुका है। और जितने भी आप स्टेटस इसी तरह से देखेंगे आप इसको ऑन कर दीजिए वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएंगे क्योंकि स्टेटस 24 घंटे रहता है, तो ये भी आपके 24 घंटे तक आपके फोल्डर में रहेगा, उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे ट्रिक की जो कि काफी मस्त सा ट्रिक होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको पता होगा इसका जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा इंग्लिश का है और आपको इंग्लिश में ही दिखता होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा सेटिंग भी है जिसका यूज करके आप अपने लोकल लैंग्वेज में इसको सब कुछ बदल सकते हैं। लोकल लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। उसको करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे
थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में आपको आ जाना है और यहाँ पे जो आपको एक चैट्स का ऑप्शन मिल जाता है तो इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे, एकदम नीचे यहाँ पे लिखा है ऐप लैंग्वेज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे जितने भी मतलब काफी सारे लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हिंदी, बंगला और मराठी, गुजराती, पता नहीं क्या क्या है और है। तो जो भी आप इसको करना चाहते हो, जैसे हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपका हिंदी लैंग्वेज में हो जाए। दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले ट्रिक की। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पता, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा व्हाट्सएप पे आप कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप मतलब फ्री कॉल है। अगर किसी को वाईफाई भी कनेक्शन मिल जाता है तो घंटों तक वाईफाई से मतलब व्हाट्सएप पे ही बात करना चालू कर देता है। तो दोस्तों लेकिन अगर आप अपने फोन के डेटा का यूज करके आप व्हाट्सएप पे फोन करते हैं तो आप एक बार उसका ध्यान जरूर देना कि मतलब उस टाइम का जो है डेटा आपको ज्यादा खर्च होता है। आप मतलब अगर आप ध्यान नहीं दिए तो ध्यान जरूर दे देना एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब जितना डेटा आपका था उससे काफी अच्छा खासा डेटा आपका खत्म हो जाता है व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। तो मतलब जब आप कॉल करते हैं तो ज्यादा डेटा आपका खत्म होता है। तो यहाँ पे कम डेटा खर्च करने के लिए, अब मान लो घंटों तक व्हाट्सएप पे बात करते हो, मतलब फोन पे मतलब कॉल पे बात करते हो, तो उसमें आपको डेटा कम मतलब खर्च करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग दिया हुआ है। उसके लिए आपको सिंपल सा अपने थ्री डॉट में आकर सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज एंड डेटा का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो जाता है यूज लेस डेटा फॉर कॉलिंग, तो इसको आपको अनेबल कर देना है। अब इस चीज को अनेबल करने के बाद आप एक बात का ध्यान जरूर देना है, किसी से फोन कर लेना, 10 मिनट बात कर लेना व्हाट्सएप पे, और इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद 10-15 मिनट फिर से बात कर लेना किसी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे जितना डेटा मेरा कट रहा था उससे कम डेटा में आपका यहाँ पे कॉलिंग पे बात हो जाएगी। तो इसको करने के बाद सिंपल सा आपका व्हाट्सएप का मतलब कॉलिंग के थ्रू आपका जो डेटा है वो कम खर्च होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो काम की लग रही है, अगर व्हाट्सएप ट्रिक आपको काफी अच्छे लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले ट्रिक की, और दोस्तों ये जो ट्रिक है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप काफी अच्छा एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो अगला ट्रिक है उसके लिए आपको सिंपल सा जिसे भी आप मतलब आप यहाँ पे किसी भी काउंट किसी से आप चैट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किसी पर्सन ने आपको भेजा या फिर आपने भेजा है तो उस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि आपको जरूरत पड़ने पर आप सिर्फ उस मैसेज को देख पाए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भेजा हुआ है, तो यहाँ पे इसको आपको जो को भी मतलब हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आपको कर देना है, क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट के बगल का एक ऑप्शन है स्टार करके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जिससे कि ये जो ये है मतलब ये जो मैसेज है एक स्टार्ट मैसेज में चला गया और यहाँ पे नीचे आपको एक छोटा सा स्टार भी जरूर दिख रहा होगा जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने फिर से काफी सारे चैट्स किए, फिर आपको काफी दिनों बाद इस चीज को देखना है, इस वाले मैसेज को देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल सा अपने थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप वेब का है उसके नीचे का एक ऑप्शन है स्टार्ट मैसेज, तो इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया था वो चीज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप इसको चाहे डायरेक्ट हमारे मेरे कॉन्टेक्ट में जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट मैसेज किसी भी काम के हो, कुछ भी हो, काफी अच्छे मैसेज हो या फिर जिसको आप बुक मार्क करना चाहते हो तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके आप उसे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने किसी फोटो या फिर वीडियो को भी अगर स्टार मतलब किया हुआ है तो अगर आपके गैलरी से भी वो वीडियो डिलीट हो जाता है, वो फोटो डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पे स्टार्ट मैसेज से वो फोटो डिलीट नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे आखिरी और काफी मस्त से ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी चीज किसी से मतलब कुछ चैट किया और उस चैट को आप सेव करना चाहते हैं या फिर किसी को वो चैट आप भेजना चाहते हैं भाई ईमेल मैसेज के थ्रू या फिर किसी भी शेयरिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको भेजना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ इस चीज का इस्तेमाल आप उस पर्सन से भी कर सकते हैं जैसे आपको तो काफी सारी बातें की हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज है और आप इसको कई सारी जगहों पर भी आप समझ जाओगे, जहां जहां यूज करना है आप खुद ही समझ लेना। तो मान लो मुझे किसी का चैट मतलब ईमेल पे किसी को भेजना है तो यहाँ पे या फिर
फिर उसकी उस चैट को मुझे सेव करना है, मतलब गूगल ड्राइव में सेव कर लेना है। तो उसके लिए सिंपल सा आप सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे। सेटिंग के ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पे जो चैट्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नीचे सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाता है चैट हिस्ट्री का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट चैट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस भी पर्सन का चैट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको आपको सिंपल सा प्रेस करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछा जाएगा, विदाउट मीडिया, इंक्लूड मीडिया। तो यहाँ पे आप विदाउट मीडिया भी कर सकते हैं और इंक्लूड मीडिया भी कर सकते हैं। अब विदाउट मीडिया में क्या होगा, सिर्फ जो आपने चैट्स की है वो चैट्स आप किसी को भेज सकते हैं। और अगर आप इंक्लूड मीडिया करते हैं तो यहाँ पे आपको दो, अब मान लो आप ईमेल के थ्रू भेजो तो यहाँ पे दो ईमेल जाएगा, जिसमें कि आपका चैट जाएगा और दूसरे ईमेल में जितने भी आपने मीडिया फाइल मतलब फोटो वीडियो जो भेजा है वो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं विदाउट मीडिया करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी आपके शेयरिंग करने का तरीका है, मतलब व्हाट्सएप, ब्लूटूथ है, मतलब ईमेल वगैरह, यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उसमें आप यहाँ पे जैसे मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से अपने को ही ये चीज शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज आप इसको किसी भी को भी शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें किसी मतलब आपने जो चैट किया है इसको आप अपने गूगल ड्राइव में भी डायरेक्ट ही से उसको सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो व्हाट्सएप चैट होगी वो हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी व्हाट्सएप की आज की ट्रिक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिए। और दोस्तों व्हाट्सएप पे शेयर तो जरूर कीजिए इस वीडियो को, व्हाट्सएप पे नहीं जितने आप करते हैं हर जगह पे शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि जैसे मैं अगला कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। और दोस्तों इससे पहले भी जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने काफी सारे व्हाट्सएप ट्रिक्स वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दिया हुआ है, आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए, जिससे कि आपको मतलब व्हाट्सएप यूज करते काफी ज्यादा मजा आने लगेगा।